हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तड़का किचन। आज तड़का किचन में बनने जा रहे हैं छोले भटूरे। छोले भटूरे बनाने के लिए मैंने कुछ ड्राई मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता, लौंग, मोटी इलायची। छोलों को मैंने रात भर भिगो लिया था, 7 से 8 घंटे तक छोले भीगे हुए हैं। अब इनको मैं कुकर में शिफ्ट करूँगी। अब इसमें अपने सूखे मसाले डाल देंगे। साथ में मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चना मसाला और पानी। पानी हमें छोलों की सतह से थोड़ा सा ऊपर रखना है, मतलब 1 इंच के आसपास हमें पानी ऊपर रखना है। अब हम गैस पे कुकर रख के इसको 7 से 8 विसल्स लगा लेंगे। आठ विसल लगाने के बाद अब हम इसे चेक करते हैं छोले हमारे कैसे पके हैं। देखिए, छोले एकदम सॉफ्ट पक चुके हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल 1 से 1.5 कड़छी, सूखे मसाले, छोटी इलायची, 1 फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1/2 चम्मच ज़ीरा। इसको हम चटकने देंगे 1 मिनट के लिए। अब इसमें मैं ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक ग्रेट किया हुआ। 1 मिनट तक इसको हम भूनेंगे, जब तक कि अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ प्याज, 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको हल्का ब्राउन करना है। जैसे प्याज ब्राउन हो जाए इसमें हम डाल देंगे नमक, ब्लैक सॉल्ट, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2 पिंच हल्दी, 2 चम्मच चना मसाला। इसको भी हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 ज़ीरा पाउडर। अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो की प्यूरी। 4 से 5 मैंने टमाटो ले लिए हैं, उनको ब्लेंड कर लिया है। टमाटर को हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसाला ऑयल ना छोड़ दे। इन छोलों को आप लोहे की कढ़ाई में ही पकाना, कलर बहुत अच्छा आता है लोहे की कढ़ाई में पकाने से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से बहुत ही अच्छा एक रिएक्शन होता है, जिससे कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा छोलों में और कलर भी इसका बहुत अच्छा ब्लैकिश में आ जाएगा। 1 से 1.5 मिनट लगेंगे हमें इसको कुक करने में। देखिए कलर कितना अच्छा ब्लैक हो गया है। अब इसमें मैं 2 कड़छी छोले डालूंगी और उसको थोड़ा मैश करूंगी। लैडल की बैक साइड से इसको मैश करना है। इसको मैश करने से मसाला हमारा अच्छा थिकनेस वाला बन जाएगा,
गाढ़ा मसाला हो जाएगा, जिससे कि छोलों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम अपने बाकी सारे छोले ऐड कर देंगे इसमें। जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले हैं, तेज़पत्ता, मोटी इलायची, उसको हमें निकाल देना है। दालचीनी का टुकड़ा भी मैं रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि खड़े मसालों ने जो अपना फ्लेवर देना था वो इसमें आ चुका है। अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें चाय पत्ती का पानी उबालूंगी। पैन पे मैंने आधा गिलास पानी लिया है, इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच चाय पत्ती के डाल दिए। इस पानी को मैं स्ट्रेन करके डाल दूंगी छोलों में। चाय पत्ती का पानी डालने से भी बहुत अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा बढ़ जाता है। जैसे ही छोलों में उबाल आ जाएगा, अब इसको एक तड़का देंगे। 2 चम्मच मैंने मक्खन डाला है इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, लंबी कटी हुई अदरक और लंबी कटी हुई हरी मिर्ची। अब इसको हम छोलों के ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो बटर की जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चने में। अब हम भटूरे बना लेंगे। देखिए, गर्मा गर्म छोले भटूरे हमारे तैयार हैं।